Yes, hello. Hi guys. In previous class we have seen some confirmatory test for the glucose. Right now, one more confirmatory test for the structure of glucose. We have to clear it. We have to complete it. In this, we have to use acetic anhydride. Okay, this is the structure of glucose molecule. All of you are familiar with this. And what we have to confirm? लिसन, ये वी हैव टू कन्फर्म फाइव ओ एच ग्रुप्स. मीन्स हमको ये बताना है कि ग्लूकोज में पांच ओ एच ग्रुप्स होते हैं. याद कीजिए, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन जो पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि दिज आर अल्डोजेस और कीटो हेक्सोजेस या अल्डोजेस और कीटोजेस विच आर हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. यानी कि हम उन मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें अल्डिहाइड के साथ बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या कीटोन के साथ बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. अगर हम अल्डिहाइड के साथ नंबर ऑफ OH ग्रुप की बात करें तो हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, और अगर हम कीटोन के साथ बहुत सारे OH ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वह है फ्रुक्टोज. ठीक है, तो हम लोग तो अभी अल्डोजेस की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज की बात कर रहे हैं. तो हाउ कैन वी कन्फर्म दैट हियर इट इज़ हैविंग फाइव OH ग्रुप्स? तो उसका रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिए. यहाँ इस पेज पर जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन समझने में थोड़ा आपको तकलीफ होगा, इसीलिए मैंने इसको अलग से एक पेज पे लिखा हुआ है. हम लोग उसको देखते हैं, अगर वो समझ में आ जाएगा तो आपको ये जल्दी से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ओके, जस्ट वेट, मैं वो वाला पेज अभी निकाल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से वो क्लियर हो जाए. ठीक है, अब ज़रा इस पेज को देखिए जरा ध्यान से. ये जो पेज है, ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखिए. यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर जो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ग्लूकोज का, वो कुछ अलग बनाया है. एक्चुअली रियल स्ट्रक्चर यही होता है जिसमें एक CHO है, एक CH2OH है, बाकी चार OH कहाँ कहाँ हैं आप लोग देख सकते हैं. बाकी चार OH कहाँ कहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है, दूसरा OH इस तरफ है, चौथा OH इस तरफ है. ठीक है, यानी कि टोटल पाँच OH हो गए. गिन लीजिए आप लोग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे पांच OH हो गए. और हमको यही तो प्रूफ करना है. हमको क्या यूज़ करना है? एसिटिक एनहाइड्राइड. सो कीप इन माइंड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है बेटा? एसिटिक एसिड से जब हम मॉइस्चर को बाहर निकाल लेंगे तो हम उसमें से एनहाइड्राइड फॉर्म कर लेंगे, यानी कि वो बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड. इन कॉमन नेम IUPAC में क्या बोलेंगे? इथेनॉइक एनहाइड्राइड. अच्छा, अब रिएक्शन कैसे हो रहा है जरा ध्यान से देखिए. रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ से OH निकला. जस्ट वेट, यहाँ से OH निकल रहा है और यहाँ से पूरा CH3CO ग्रुप निकल रहा है. तो पूरा क्या बन जाएगा? कंबाइंडली क्या बनेगा, क्या निकल रहा है यहाँ पे? निकल रहा है CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड बाहर निकल रहा है. और जहाँ से जो भी बॉन्ड टूटता है वहीं से बॉन्ड अटैच होता है. तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बचा, अब कौन सा ग्रुप आएगा यहाँ पर? यहाँ पे बचेगा सी, अटैच होगा OCOCH3. देखिए यहाँ पे वही अटैच हुआ है, OCOCH3, ये ग्रुप यहाँ पर आ गया. समझ में आ गई आपको बात? अब देखिए यहाँ पर एक OH के साथ जो रिएक्शन हुआ, वही बाकी चार OH के साथ भी यही रिएक्शन होगा. इसका मतलब आप लोग समझ जाना चाहिए आप लोग को कि हम यहाँ पे टोटल पांच एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे और पांच बार OCOCH3 का एडिशन होगा. तो देखिए हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, देखिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है. दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट जिसमें पांच बार COCH3 आ रहा है, मतलब पांच बार OCOCH3 आ रहा है. दिस इज OCOCH3, ये पांच बार आएगा. देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए. आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा. अब हम वापस उस पेज पे चलते हैं. अब ये तो मैंने अपने हाथ से लिखा था, अब की लैंग्वेज में समझ लीजिए. यहाँ पे भी देखिए वही बात लिखी हुई है. देखिए एक बार OCOCH3 यहाँ पर है, दूसरा और फिर चार बार OCOCH3 यहाँ पर है, और ये रहा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड. तो इस रिएक्शन से क्या समझ में आया, जितने OH हैं उतने बार OCOCH3 आ जाएगा. इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. दिस इज द ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. समझ में आ गई बात? आई होप सो, इट बिकम वेरी क्लियर टू यू. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. And
Next, we will proceed in the next video. Thank you. Please like, share and subscribe my YouTube channel.